हाय एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग पहले थ्योरी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया फिर उसके क्वेश्चंस कराने एंड रेगुलरली हम लोग साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में लेकर आ रहे हैं ताकि अगर आप लोग यू you नो know, अब एग्जाम बिल्कुल ऑलमोस्ट सर पर ही है तो अगर आप लोग अपने लेवल से भी प्रैक्टिस करें तो एक थोड़ा सा रिविज़न हो जाता है ना पता भी चल जाता है इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मेरा फोकस उसी पर है क्योंकि कम्प्लीट सिलेबस में आप भी जानते हैं आप उसमें बोरिंग हो जाएगा क्योंकि आप सामने तो हो नहीं है ना लाइव में भी नहीं हो इसलिए सो इज लेट स्टार्ट अभी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सर प्रोजेक्टाइल uh, मोशन तो मैंने बोला भी था कि बेटा अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैंने आप लोगों को कॉन्प्ट बता दिया जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में और आज हम लोग क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पास्ट ईयरस क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओके okay, तो लेट्स स्टार्ट तो बेटा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कि दो टू बॉडीज हैं जो प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी यानी सेम वेलोसिटी के साथ फेंकी जा रही है बट प्रोजेक्टेड मतलब कि जो पाथ है वो पैराबोला है पहली चीज वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ ओ ओ ओ ये क्या हो गया एंगल ऑफ एंड द अदर एन एंगल ऑफ टू द दॉरीजेंटल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीचेस यानी कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना है बताती हूँ मैं ये एक का एंगल थर्टी डिग्री और एक का एंगल जो है ऑफ सिक्सटी डिग्री टू द दॉरिजेंटल है ये यहाँ की वजह यहाँ से है कोई बात नहीं यार टाइपिंग में हो गया कुछ ये इधर शिफ्ट हो गए खैर कोई नहीं अभी हमारे पास ये है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड दोनों ही प्रोजेक्टेड मोशन में वो हमें क्लियर हो गया दोनों की सेम वेलोसिटी है लो भाई ये हो गई सेम वेलोसिटी, एक का एंगल है थर्टी डिग्री दूसरे का एंगल है सिक्सटी डिग्री निकालना क्या है निकालना है आपको हाइट का रेशियो पहली चीज अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि दोनों की रेंज भी सेम होगी क्यों सेम होगी क्योंकि एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सेम वेलोसिटी है पहली चीज बट यार ये तो रेंज के बारे में बात ही नहीं कर रहा ये तो हाइट के बारे में बात कर रहा है तो निकालें हाइट चलिए हाइट निकालते हैं लगाते हैं फॉर्मूला हाइट का पहले वाले की हाइट को h1 ले लेते हैं दिस इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g h2 को ले लेते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g क्योंकि सेम वेलोसिटी है तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए टू जी को से टू जी को कैंसिल कर दीजिए पहला था साइन थर्टी साइन थर्टी की वैल्यू बेटा आपकी होती है वन अपॉन टू बट स्क्वायर है दैट माइट बी वन बाई फोर और ये क्या है रूट थ्री बाई टू ना साइन सिक्सटी की वैल्यू तो बेटा स्क्वायर में हो जाएगी दिस इज थ्री बाई फोर ये फोर से फोर कैंसिल तो आपका एच वन अपॉन एच टू का जो रेशियो आ गया एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री यानी कि वन रेशियो थ्री मतलब बी वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है अब मिस्टेक कैसे होती है इस क्वेश्चंस में बच्चे जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना तो हम लोग ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम सोचते हैं मतलब बर करने की कोशिश करते हैं कर लेंगे यार हाँ हाँ यही आ रहा है बट टाइम क्या होता है ना इन क्वेश्चन में वन रेशियो थ्री और थ्री रेशियो वन घूम जाता है बेटा जी के पेपर में मैंने वही पहले भी बात बोली कि टाइम की ना बहुत ज़्यादा मारामारी होती नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मारामारी करनी नहीं है आपको जो भी क्वेश्चन करना चाहे आपको बहुत इजीली आ तो आपके टिप पर हो फिर भी आप एक बार ना उसको नोट डाउन करके ऐसे कर लिया कीजिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेस देन टू मिनट का टाइम लगेगा बट <coughs> मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते तो होप मेरी बात समझ गए आप लोग ठीक है अभी ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ अगर वो यहाँ पर आपसे रेंज का पूछता कि रेंज का रेशियो बता दो क्या है तो रेंज का रेशियो आपका कितना आ जाता वन वन रेशियो वन जानते हैं क्यों क्योंकि दोनों की रेंज तो सेम ही होनी है राइट चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है क्वेश्चन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल यानी ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है ये इसका ट्रेजेक्ट्री पॉइंट हो गया ना यहाँ पर द एक्सिलेशन इज याद रखना ये टिप पॉइंट है इसे पहले वाली क्लास में भी बताया था एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशन में एंड ये आ गया डी वाला राइट right? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी ग्रेविटेशन में क्या इस पोजिशन पर कुछ जीरो होगा यस yes, सोचो क्या जीरो होगा यस वर्टिकल कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा जीरो होगा मिनिमम क्या होगा वेलोसिटी मिनिमम होगी मैक्सिमम कुछ नहीं कांस्टेंट होगा अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया बेटा जब भी आप लोग प्रैक्टिस करा करें ना क्वेश्चन की तो जैसे आपने देखा मैं ऑप्शंस की थोड़ा डिटेल में चली जाती हूँ तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि अगर आप टेंथ से फिफ्टीन ईयर के पास ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप तो एक तो पेपर के यूज टू हो जाओगे आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब सोचो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने देखा है जब बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन यू नो अपने लेवल पे पढ़ रहे होते हैं तो वो वही ट्वेल्थ वाला पूरा रिपीट कर रहे हैं और नहीं भाई यहाँ क्या ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही जा रही है देखो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी पढ़ लो जितना पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं इवन आपका फायदा ही होगा लेकिन इस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए क्या है आपका टाइम है ना जितना टाइम मिलेगा और सब्जेक्ट्स को भी तो देना है है ना तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे बच्चे थर्ड वाला क्वेश्चन है ये कहता है कि आपकी टू uh, बॉडीज़ हैं जो प्रोजेक्टेड हैं यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है एक की वैल्यू है थर्टी डिग्री एक की वैल्यू है सिक्सटी डिग्री एक की थर्टी है और एक की क्या है सिक्सटी है तो विद द सेम वेलोसिटी दोनों की सेम क्या है वेलोसिटी तो इनमें से क्या सेम होगा जस्ट अभी आपको बताया था कि ये तीन टर्म्स मैंने मतलब इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताए थे कि आप दोनों को कंपेयर कीजिए और आपके तीन टर्म सेम होंगे मतलब वेलोसिटी सेम है एंगल्स का सम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही कराया था चेक कीजिएगा एक बार इससे पहले वाली क्लास का तो रेंज मस्ट बी इक्वल अब हमने इस वाले में देखा एंगल एक थर्टी डिग्री एक सिक्सटी डिग्री यस ये भी डन है सेम वेलोसिटी, ये भी डन है तो भाई सोचना समझना ही नहीं है थर्ड वाले ऑप्शन को लॉक कर देना है ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यानी देयर रेंज आर सेम समझ में आ गया बेटा क्यों सेम है रेंज क्योंकि वेलोसिटी भी सेम है और हॉरिज़ॉन्टल के साथ एंगल का सम भी आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है आपने देखा ये तीन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो प्रोजेक्टाइल मोशंस के ही हैं आपको इसमें डिटेल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपने कॉन्सेप्ट पढ़े और उससे ये क्लियर हुआ राइट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन पर ये वाला क्वेश्चन देखिए इसके ऑप्शन कुछ डिस्टर्ब इधर उधर हो गए खैर कोई नहीं हम देख लेंगे द होरिजेंडल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ओ माई गॉड इसके तो ऑप्शन को गायब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है खैर हम लोग देख लेते हैं कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज डैश टाइम ऑफ इज मैक्सिमम हाइट डैश को कितना लें मैं आपको ऐसे ही रिलेशन बता देती हूँ देखिए बेटा जब आप कंपेयर कर रहे हैं रेंज को और हाइट को तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है ना आपका वो ये हो जाता है अंडर रूट एच अपॉन जी तो आप इस फॉर्मूले से लगा के सॉल्व करेंगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ बट मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया आप उस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा अभी फिफ्थ वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई ठीक है एंड इट्स रिटर्न टू अ ग्राउंड वो ग्राउंड पर रिटर्न हुई डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ ठीक है अभी इस बात को समझो ध्यान से आप ये बोलोगे कि मैंने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और वो आप ही के हाथ में नहीं आई ठीक है ऐसा उसने मेंशन कर दिया कि बॉल जब आपने ऊपर की तरफ फेंकी तो वो ऐसे ना आकर ऐसे आ रही है यानी डिस्क्राइबिंग की वो पैराबोलिक है ओके तो कई बार हमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाना होता है हालांकि फैक्ट से थोड़ा सा अदर हो जाता है वैसे तो फैक्ट ही है क्योंकि एयर रसिस्टेंस लगेगा ना तो पैराबोलिक पाथ में हो जाता है ठीक है बेटा तो इनमें से कौन सा रिमेन कॉन्स्टेंट तो आपको पता होगा ये मैंने क्लास में बताया था जब मैंने मोशन इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया तो मैंने स्पेसिफिक टर्म्स लिखे थे कि दीज आर द टर्म्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को उसके बाद नीचे वो टर्म्स लिखे थे जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन से टर्म्स ना प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्स्टेंट होते हैं किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एक बार देखेगा जरूर जाकर तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ओके स्पीड ऑफ अ बॉल ओके हॉरीजेंडल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेलॉसिटी ध्यान से सुनना बात को काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती कांस्टेंट होता है तो मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी नहीं होती स्पीड कैन से नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है स्पीड में वेरिएशन हो रहा है अगर वेरिएशन ना होता तो वो यू you नो know, ये पाथ फॉलो ना करती तो वी सेट नो राइट से मोमेंटम कॉन्स्टेंट था और ये देखो आप

जाकर इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखेगा क्योंकि जब तक आप यू नो उस बेसिक्स को उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दीज आर द क्वेश्चन जो वी ऑलरेडी डिस्कस एक दो क्वेश्चन अगर कुछ और हैं तो देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के आ, ओके यही क्वेश्चन थे होप समझ में भी आए होंगे आपको और uh, मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए क्योंकि जो बेसिक्स हम लोग लेकर चले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही uh, पार्ट को लेकर चले थे अगर आपको कुछ भी क्वेरी है कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और uh, कुछ भी अगर आपको साइंस से रिलेटेड एन डी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है साइंस फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से किसी के भी बारे में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड रिस्पॉन्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ आप लोगों का ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट सा न्यू टॉपिक लेके जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा थैंक यू बेटा जय हिंद